फिल्म इज बेस्ड इन 1975, तो हमने उस एरा की जो सुपरहिट जोड़ियाँ थी उन जोड़ियों के अंदाज में एक गाना करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो अभी गाना करने वाले हैं, वेयर अक्षय एंड ऐश विल ड्रेस लाइक देम और बिहेव लाइक देम। बट अभी ये एकदम फाइनल नहीं है, काम चल रहा है, गाना बन रहा है और हम उस पर काम कर रहे हैं। सो एज आई एम होपिंग दैट वी कैन क्रैक इट राइट, अगर वो बहुत अच्छा नहीं बना तो हम शायद ना भी करें। अभी इस वक्त मैं ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम कर रहा हूँ, शी इज़ आउटस्टैंडिंग, आई हैव नेवर सीन समबडी डांस सो ब्यूटिफुली, और कितना भी मुश्किल डांस का स्टेप हो वो पहले टेक में ओके कर देती है। इन एक्शन रिप्ले आई हैव सीन समथिंग दैट आई वॉज नेवर अवेयर अबाउट ऐश, शी इज़ अनबिलीवेबल। इससे पहले मैंने प्रियंका के साथ काम किया है, कतरीना के साथ काम किया है, सुष्मिता के साथ काम किया है, आसिन के साथ लंदन ड्रीम्स की है, दे ऑल आर वंडरफुल, करीना इज फैंटास्टिक। ऐश इतनी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हैं, मैं सरप्राइज हूँ कि अभी तक किसी ने उन्हें एक कॉमिक रोल, या कॉमिक रोल कहना मुश्किल होगा, लेकिन एक ऐसा रोल जिसमें ह्यूमर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके लिए उन्हें अप्रोच नहीं किया या उनसे करवाया नहीं। मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, ज़बरदस्त डांस करती हैं, तो उनके लिए ये रोल करना मुझे कभी मुश्किल नहीं लगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे शी हैज परफॉर्म द रोल। बहुत ही नेचुरल तरीके से शी स्लिप्ड इनटू द ह्यूमर पार्ट एंड शी इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। देखिए एक्शन रीप्ले का जो रेफरेंस है वो ये रेफरेंस है कि क्रिकेट में जब एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट आता है, चाहे वो कैच हो, विकेट हो, फोर हो, सिक्स हो, रन आउट हो, कुछ भी हो, तो इट इज़ कॉल्ड रीप्ले। वो रीप्ले वर्ड आ जाए, ओरिजिनली इट वॉज कॉल्ड एक्शन रीप्ले। माई फिल्म इज़ अबाउट रिवाइंडिंग द लाइफ एंड री लिविंग इट, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्शन रीप्ले। जनरली हम कॉमेडी को हिंदी सिनेमा में अलग तरीके से देखते हैं, हमारे लिए कॉमेडी मतलब गिरना पड़ना, मैं ऐसी कॉमेडी नहीं बना रहा हूँ। माइन इज़ मोर ऑफ अ सिचुएशनल कॉमेडी, जिसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जो डायलॉग बोले जा रहे हैं, उससे ह्यूमर निकलता है। सो आई एक्सपेक्ट माई एक्टर्स टू परफॉर्म इट वेरी वेरी जेन्युइनली और सीरियसली, बाकी का काम स्क्रिप्ट अपने आप करेगा, और आर्टिस्ट इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं हाउ टू प्ले दैट पार्ट जेन्युइनली येट टू मेक इट फनी। सो मुझे लगता है कि वो ऐश हैज़ बीन अ एब्सोल्यूट नेचुरल एट कॉमेडी, एंड आई थिंक इफ दैट्स व्हाट ऑडियंस इज फीलिंग देन आई थिंक इट्स गुड, बिकॉज नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ ऐश, एंड आई एम श्योर शी इज़ नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट देम।